गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं कर रही हूँ अभी ब्लॉग स्टार्ट, और भाई काम अभी आधा हुआ है और आधा बाकी है मेरा, क्या बताऊँ, क्योंकि लाइट चला देती हूँ, क्योंकि कभी कभी इतना लेट हो जाता है ना काम में, बहुत ज़्यादा ही। तो अभी नहाना धोना, पूजा पाठ सब, और नाश्ता यही हुआ है। अभी बर्तन भी मेरा बाकी है और पोछा मारना भी बाकी है और माथा धुलाई किया, वो भी अभी सुखानी है। देखिए सिर अभी गीला ही है। तो अभी छत पे गई थी अभी कपड़ा सुखाने, तो वहीं पे ही थोड़ा सा सुखाया धूप में खड़ा होकर, 2 मिनट के लिए, इतना टाइम नहीं था। और ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और अभी मैं कर लेती हूँ काम फटाफट। तो गाइस मैं भी जा रही हूँ लक्ष्मी जी का मंदिर, उसको बोलते हैं लक्की मंदिर, तो मैं भी दर्शन करती हूँ, आप लोग भी दर्शन करिए, चलिए मेरे साथ। गाइस अभी मंदिर पहुँच चुके हैं और ये है लक्ष्मी जी का मंदिर सामने। ये लक्ष्मी माई मंदिर, तो आप ये देखिए, ये लक्ष्मी जी का मंदिर बहुत सुंदर से बनाया हुआ है और बहुत अच्छा, माता रानी करे सबका बेड़ा पार। तो शर्मा जी कर रहे हैं पूजा। अभी पूजा करके मंदिर से निकल चुकी हूँ और अभी करीब मेन रोड पे, यहाँ पे अभी शर्मा जी कर रहे हैं बात फोन पे, फिर डब्बा उब्बा किसको लेना है तो ले लीजिए। तो अभी निकलेंगे घर के सब तरफ, कैसा है? ज़्यादा दिखाया गया तो गाइस मैं भी घर में पहुंच चुकी हूं और अभी करूंगी घर की पूजा, क्योंकि गई थी उस टाइम में टाइम नहीं हुआ था और अब टाइम हो गया है,
तो 2 मिनट पहले बैठती हूँ और उसके बाद अभी करूँगी पूजा, क्योंकि जाते टाइम गए थे उस समय शाम हुई नहीं थी, दिन था पूरा, तो अब कर देती हूँ। और अभी बच्चों के लिए भी अभी बना रही हूँ नाश्ता, ये लोग क्या खाएगा वही देख रही हूँ। तो शाम होते ही कुछ ना कुछ ये लोग को चाहिए, तो वो भी अभी बना रही हूँ। क्या बनाऊँ नाश्ता में, नाश्ता में क्या बनाऊँ, मुड़ी तो मुड़ी बना देते हैं। खाना नहीं, मैं नाश्ता का बोल रही हूँ भाई। मुड़ी नीचे नहीं चाहिए, छोड़ दो भाई उसको। अभी एक जन खाएगा मुड़ी, एक जन खाएगा मैगी और कुछ नहीं खाएगा। चलो आज वो करो, क्या करोगे? अंशु अभी कैसे खड़ा हुआ है ये देखिए, ये ऐसे कौन खड़ा होता है, मतलब इसको जो लगी हुई है वो नहीं दिखनी चाहिए ना, चोट लगी हुई है, पूरा गर्दन दिख रहा है इसका। बोल अभी वो जा रहा है, तू भी जा, जा रहा हूं, जा। नहीं जाओ अभी ये देखिए पूरा अपना गर्दन दिखा रहा है। और पर्दा को कम से कम 3 बार तोड़ चुका है ना, चौथा बार का प्लान चल रहा है। हाँ अभी प्लान चल रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है तू, काटो तो हो जाएगा। ये देखिए हाँ अभी ठीक है, मैंने बंद कर दिया, नहीं नहीं कर दिया तो बंद कर दिया, कर दिया टर्निंग कर दिया। हाँ ठीक, आ जाता तू, आ तो आ। तो गाइस अब बना रही हूँ खाना, और आज बना रही बैंगन और आलू की सब्जी, और वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बैंगन एकदम भी पसंद नहीं है बच्चों को, लेकिन बना रही हूँ फिर भी। ये कभी कभी ये भी बनाना चाहिए, इसलिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए आज मैं ये सब्जी बना रही हूँ। अभी वास्ते वैसे टेस्टी बनती है सब्जी इसकी, और अभी लगी हुई हूँ काम में। और आज गई थी मंदिर और मंदिर का दिखाया सबको, और अभी सोर्स बनाया है, सोर्स बनाने के बाद अभी लग गई मैं खाना में। दिन भर का यही रूटीन है, एक जगह और जाने वाली थी फिर नहीं जा पाई, क्योंकि लेट हो रखा था, छोड़ो अभी नहीं जाएंगे तो फिर नहीं गए, देखते हैं कल हाँ कल तो नहीं जाएंगे, कल तो फास्टिंग है। कल जो चौथ का व्रत है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही ये व्रत होता है, तो कल है फास्टिंग मेरा। तो गाइस अब 9 बज चुकी है और मैंने अभी शॉर्ट्स डाला है, और अब बनाऊंगी खाना, बहुत लेट हो गया आज खाना में, और बच्चे हैं अंदर में पूरा मस्त। और अभी शर्मा जी आए नहीं हैं, शर्मा जी अभी आने वाले हैं, तब तक खाना बना के रेडी। और हाँ आज मेहंदी भी लगाना है, क्योंकि कल व्रत है तो आज मेहंदी भी लगाना है, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम और फिर लगाऊंगी मेहंदी, बहुत ज़्यादा वैसे ही लेट होके रखा हुआ है। और बच्चे लगे हुए तो चलिए, ये लोग गाना लगाया हुआ है तो मेरा ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि ये लोग गाना लगा के और अभी पढ़ाई तो कर चुके हैं शायद अभी, और अभी लगाया हुआ है गाना, तो ठीक है अभी बनाती हूँ खाना। अब ये देखिए गाइस, मम्मी लगा रही है बैठ के मेहंदी, किस लिए? कल मेरा व्रत है बेटा, जो जैसे करवा चौथ होता है ना वही चौथ है ये। अच्छा, हम लोग 4 चौथ मतलब हर महीना करते जाते हैं, जैसे पिछला महीना क्या ये महीना, फिर अगला महीना, फिर वो अगला महीना, लास्ट होती है ये जो तिल कुटनी चौथ आती है संक्रांति के जनवरी में। हाँ। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं, और कोई कोई आदमी करता है खाली वो करवा चौथ करके रह जाता है। हाँ एक चीज़ मैं आप बता देती हूँ, मैं मेरे को ये बात याद आ गई, कोई मतलब हम लोग मारवाड़ी में तो कोई भी नहीं करता है ऐसे, एक चौथ कोई नहीं करता है, लेकिन बहुत लोग है कि चौथ करवा चौथ का जो व्रत होता है वो करता है, बहुत महिला करती है। तो क्या है कि वो एक चौथ का व्रत मत किया करो, क्योंकि एक चौथ का व्रत अच्छा नहीं था, ये भी एक जोड़ा के लिए होता है, तो एक चौथ का व्रत मत किया करो। एक वो जो करवा चौथ किया उसके बाद जो एक तिलकुटनी चौथ आती है जनवरी में, तो वो वाली चौथ जरूर करनी चाहिए। तो क्या है कि ये 2 चौथ हो जाती है, फिर एक 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 जो चौथ करते हैं वो नहीं करना चाहिए, 2 करना चाहिए, ठीक है? एक तो अकेली घूमती रहती है, हम लोग में बोलते हैं कि एक भी कोई भी व्रत करते हैं तो वो व्रत अकेले घूमता रहता है, तो व्रत भी करो तो जोड़ा से करो, तो इसका भी जोड़ा करना चाहिए। एक चौथ करवा चौथ किया, कोई बहन अगर मेरी बात सुन रही है तो भाई किसी को अच्छा लगता है तो करना, तो
तो जो चौथ आती है वो चौथ जरूर करना चाहिए। तो साल की दो चौथ करनी चाहिए, एक नहीं करनी चाहिए। हम तो चार चौथ करते हैं और मेरी बहन, बड़ी बहन है, वो तो हर महीना की चौथ करती है। तो कोई दो करो, लेकिन दो तो करनी ही करनी चाहिए, मैं यही बोल रही हूँ। तो कल चौथ का व्रत है, इसीलिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को मेहंदी आती नहीं है, और फिर भी मैं अपना दिखा। बढ़िया ही है, अच्छा ही लग रहा है। इतना वो नहीं लगाई, मतलब हल्का हल्का लगा। इधर देखो अच्छे से, हाँ दिख रहा है। नहीं लगी इतनी अच्छी, मैंने ऐसे फूल हल्का फुल्का एक फूल लगा दिया है, और ये ऐसे कोरवा कर लिया, और अभी साथ में भी ऐसे कर लूँगी। इसमें कैसे करोगे? इसमें तो पापा को लगाते हैं भाई, और ये भी शर्मा जी आए नहीं है, इनको थोड़ा सा बोला हमको लेट होगा, तो मैं खाना भी खा चुकी हूँ और बच्चों को भी खिला दी, किचन का भी सब काम कम्प्लीट कर चुकी हूँ। जब आएंगे शर्मा जी तो बच्चे लोग खाना डाल देंगे, और मैं अभी साथ में भी लगाती हूँ। ठीक है, तू लगा देगा ना? वो लगा देगा। मतलब वैसे ये मेहंदी ऐसे निकाल के नहीं, इधर रख देना ये समय, तो फिर मैं ये उंगली से लगा लूँगी। यस लगा देगा। हाँ तू लगा देना, क्या उसमें कोई भी लगा दो तो ठीक, ऐसे करके वो लगा लेंगे फिर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग का सपोर्ट मेरे को चाहिए वीडियो में। आप लोग डेली वीडियो देखो, वो डेली शेयर किया करो, तो हमेशा ब्लॉग को लाइक किया करो। जब भी ब्लॉग देखते हो तो लाइक किया करो, क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है इसमें। लाइक करो, कमेंट करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो, और नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय सियाराम सीताराम।